18 June 2023 श्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात अपना प्रोग्राम अपना तदु कादु न पर 3 October 2014 लो फर्स्ट एपिसोड हम मेन तो ही अब उन मन की बात हम उन ऑल इंडिया रेडियो लो हिम कर टेलीकास्ट दो ना ओके दूरदर्शन लो टेलीकास्ट दो ओके हिला मरो तकम प्राइवेट चैनल का दर्शन टेलीकास्ट दो मन की बात हम वो काम ने जुम्दाक बसर वो भारतीय जनता युवा मोर्चा लोग प्रेसिडेंट है लपारा डिस्ट्रिक्ट ओके अब उन तकम हम हिलोग उनका मेगा मोगा हिला उनका लपारा डिस्ट्रिक्ट हम दूग ना उनका हिलोग जेट पीसी मैडम उनका तकाम होकर पब्लिक सीनियर सिटीजन हो गए हिलोग आलग ना उनका अच्छी जोनिया बासार मैं बीजेपी पार्टी लोग प्रेसिडेंट ओके हो कब कब बच्चन आदू पर ओके उनका जिला परिषद मेंबर अच्छी न्योरी जिलेन जी ओके मुख टीम तो का त्रिमिन तो का तकाम ईदू बोलो ओके उनका तकाम हो गए मैगा मोगे है ना अन्य में निजर या में आन का द आप का द मांगी मक्त का द आत का द आय का द यूथ निजर या में का द नो तकाम हम हिलो हो गो मन की बात प्रोग्राम हो गो कानाम लगा बा तानाम लगा बा नुनम तकाम हम उन ऑर्गेनाइजिंग टीम तरफ लोग नुन वेलकम दगना ओके मुन के दूरदर्शन टीम इटानगर बोका जी मुन के के चाले दो लाइव टेलीकास्ट नाम लगा बा मुन अब जिन तकाम वेलकम दगना ओके मुक आलवा के मुक लोकल मीडिया चैनल एमपीएल लाइव वाला ओके मुन के आलो न्यूज टुडे मुन आलो दू ओके मुन के डीटी केबल नेटवर्क का चिन्ह आदु मैं तकाम हम गोहो गो हिलो प्रोग्राम गो वेलकम दागना और राइन टीम तरफ लोग हम थैंक यू सो मच गो वेलकम है दसम जब तर दागना हम गुनो इसने प्रोग्राम हम ठीक 11 लो शुरू रहे गुनो मन की बात है हम ओक पहले लोग गुनो जस्ट इनॉग्रल सेशन का गुन अतो नाम है मैं हो गो हिम इनॉग्रेशन सेशन लगा पे गो वेलकम टू ए ब्रीफ स्पीच ऑन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ गैदरिंग बाय श्री जोन्या बसर प्लीज वेलकम हेलो ग आकुम न दोलो दोलो लोग आकुम न अनब गद अचब गद ओक तिरबिन तल के दारे बोलो आलिंग न अनब अचब गद ओक हेलो ग मुन्नम दो न जेट पीसी मैडम ओक जेट पीएम न्योरे जिलन ओक सीनियर सिटीजन अतो कातो रिराम हो गुप आकुम न गद एक्चुअली हेलो हिगे गुनगा पॉलिटिक्स मा गुनगा अखिन अखिन ग हेलो मन की बातम 102 एपिसोड हम उन्नम दिल्ली बोल के लेपारा दा हिम जिलक तो एवं मैं गोचिन चेम्मा हिम लेपारा दा वो योग जितने बंद गो बोलो नाम से बोलो इंदन मैं बोल के स्टेट बोल के चाका नौकर की तो नौ चेंडु ना रहे मैं गोचिन चेम्मा अंतर में एवं मैं दिल्ली बे उनके परफॉर्मेंस कागर ला उनको लेपारा दा का परफॉर्मेंस पब्लिक का परफॉर्मेंस कागर ला उन्नम मन की बात हम हिलो जिलक तो हम 102 एपिसोड हम नूनो बासर ले पारा दो रितो करना हिलो गलो गो 14 स्टेट को रिरे 14 स्टेट लोग हम अरुणाचल अकेन्ना एंड मैं अरुणाचल हिम रिदो बेमला गुनु ले पारा दाम जिन में गुन मजा बे मैं केन दंग नहीं नून लेके खेल चका एंड मैं मोदी के रिना मेन में नून काल दो दू अगे इस जातोमा कामा मोदी योग और दू दून काल दो दू एम मैं हिलो पॉलिटिक्स आगम जबके माँ मोदी गला पेमा कंदू गला एरिया डेवलपमेंट रिलेन में नून काचें दू तचें दू एवं मैं आलो रत्ते होमो या आर पे नून नम मोदी जी का नून नम गम मरोत लगा है मैं पेमा कंदू मरोत लगा है मैं गुनु पार्टी का मरोत लगा है मैं नून नम होमो या आर पे एवं मैं नून दिन एम रेडील दूध का हिलो दिन 102 एपिसोड हिगम डिसिप्लिन में दूला कार्य खिला चुका थैंक यू इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे जेटपीसी मैडम श्रीमती यादव जिन्हें दुची जी को जो कि हमारे 9 ईयर्स ऑफ मोदी जी एंड 7 ईयर्स ऑफ पेमा जी के सरकार के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ एक स्पीच देंगे छोटा सा नमस्ते आप सब जानते हैं कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी लोकप्रियता मन की बात प्रोग्राम 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ है ये विजय दशमी के अवसर पर मन की बात रेडियो प्रोग्राम में बहुत लोकप्रिय
प्रचार था। कोरोना के समय हमें इससे बहुत लाभ मिला है। जनता के कर्फ्यू और वैक्सीनेशन ड्राइव के अगेंस्ट में हम रेडियो पर मन की बात को बहुत लाभ उठाया है। आज हमारा यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात 102 एपिसोड को हमारा लेपाराडा में पीएमओ से हम लोग को मनाने के लिए लाइव टेलीकास्ट के लिए भेजा गया है। तो इस कारण आज हम लोग मन की बात को यहाँ हम लोग सुनेंगे मोदी जी का साथ सीधा संपर्क करके, और हमारा लाइव टेलीकास्ट होगा आज। इसलिए हमने मोदी जी को थैंक्स कहते हैं कि हमारा लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली से दूर है, फिर भी हमारा दूरदर्शन जो है यहाँ पहुँच गया है हमारा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पे। दूरदर्शन टीम को तो यहाँ भेजा गया है, तो इसलिए मैं थैंक्स देती हूँ हमारा पीएमओ ऑफिस को और हमारा नरेंद्र मोदी जी को। उसने हमारे लिए बहुत सारा काम किया है, अच्छे अच्छे काम किया है हमारा गरीब को कल्याण के लिए। साउल बाते हैं गरीब में, दुलारी कन्या जैसा स्कीम लाया है गरीब को, पीएमए कार्ड के तहत मदद किया 9 इयर्स में, जो दूसरे कंट्री ने नहीं कर पाया वो किया है। और हमारा यहाँ 220 करोड़ का वैक्सीनेशन हुआ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारा कंट्री में। और हमारा यहाँ पीएम किसान योजना पे 6000 फार्मर एवरी ईयर 6000 करके मिलते हैं। और हमारा यहाँ आयुष्मान भारत पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलते हैं, वो सब सुविधा हमारा यहाँ उसने प्रोवाइड किया है, हम सब मिल रहा है नरेंद्र मोदी जी ने। उसका 9 इयर्स में हमें बहुत कुछ देखने मिला, बहुत कुछ मिला है। और हम सोचते हैं कि हमारा नरेंद्र मोदी जी को आज हमने सोचा कि मॉडर्न एज चल रहा था हमारा यहाँ, और पहले एंशिएंट पीरियड चलता था, मेडिवेल चलता था। हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ मोदी एज चल रहा है हमारा इंडिया में, भारत में। अभी का समय मोदी एज, शायद मोदी अवतार चल रहे हैं, हम ये मानते हैं। हमारा पीएम हो तो मोदी जैसे हो, और हमारा सीएम हो तो पेमा खांडू जैसे हो। हमारा सीएम जितने हमारे स्कीम, जो बड़े बड़े स्कीम हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का तहत जितना भी इंट्रोड्यूस हुआ है हमारा अरुणाचल में भी, उससे हम बहुत अच्छी तरह से लाभ उठाया है। पीएम उज्ज्वला योजना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वोमेन को, और हमारा घर घर में इलेक्ट्रिफिकेशन, हर घर में नल जल जीवन योजना के तहत, और हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में पहले हमें गरीब को 2 रोटी का भी खाने का नसीब नहीं था। अभी मोदी जी ने हमें साउल बात के हमारे यहाँ 80 करोड़ इंडियन को हम लोग को इंश्योर फूड सिक्योरिटी दिया है, हम लोग साउल मिलते हैं उसके कारण, मोदी जी के कारण हमारा इंडिया जो है बहुत आगे चले गए हैं कंट्री में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा पीएम हमेशा मोदी रहे, गरीब के ऊपर उसका दयालु, हम उनको हमारे भगवान के रूप में मानते हैं। हमारा अवतार है मोदी अवतार, हमारा अवतार है मोदी एज है। उसके साथ हम अपना वाणी यही खत्म करती हूँ। थैंक यू। जय हिंद।